नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अंटार्कटिका के बारे में बहुत ही जरूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अंटार्कटिका आकार में लगभग ऑस्ट्रेलिया का 2 गुना है। ये असल में एक बर्फीला रेगिस्तान है। इसका 98% हिस्सा 1.9 किलोमीटर यानी 6200 फीट की मोटी चादर में लिपटा हुआ है। पृथ्वी में जितना भी बर्फ है उसका 90% हिस्सा सिर्फ 2 स्थानों पर मौजूद है, एक ग्रीनलैंड में और दूसरा अंटार्कटिका में। 7 महाद्वीपों में सबसे ठंडा और सबसे सूखा और सबसे तेज हवा चलने वाला कोई महाद्वीप है तो वह है अंटार्कटिका। यहाँ सालाना औसत तापमान -50 डिग्री रहता है। यह जगह इंसानों के लिए रहने के लिए तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। सिर्फ रिसर्च के लिए वैज्ञानिक यहाँ बने खास स्टेशनों में रहते हैं। अंटार्कटिका में एम्परर पेंगुइनों का बसेरा है। पृथ्वी पर जितना भी ताजा जल मौजूद है उसमें से 80% अंटार्कटिका में बर्फ के रूप में मौजूद है। अगर ये सारी बर्फ पिघल गई तो दुनिया भर में समुद्र का जल स्तर 60 मीटर तक बढ़ सकता है। इसी तरह ग्रीनलैंड की सारी बर्फ पिघली तो जल स्तर 6 मीटर तक बढ़ने का अनुमान है, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के बड़े हिस्से में प्रलय आ सकती है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के इस ग्राफिक में देखा जा सकता है कि 25 सालों में अंटार्कटिका के आसपास बर्फ के जमने और पिघलने से उसके आकार में कैसे उतार चढ़ाव आता रहा है। आज जब ग्लोबल वार्मिंग को लेकर पूरी तरफ से चिंता है तो पूरी तरह बर्फ से ढके दुनिया के इन हिस्सों पर नजर रखना भी बहुत जरूरी होता है। अगर यहाँ का तापमान बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगी और उसका सबसे ज्यादा असर हमारी दुनिया पर ही होगा। लगभग 100 वर्ष पहले यहाँ रिसर्च करने के लिए दुनिया भर के देशों में होड़ शुरू हुई। यहाँ पर लगभग 80 रिसर्च सेंटर है जिसमें भारत समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक रहते हैं और काम करते हैं। वैज्ञानिक इस बर्फ की मोटी चादर से ढके रहस्य का पता लगाने की कोशिश करते हैं। इंसानी हस्तक्षेप से दूर यहाँ अंटार्कटिका में एक खास प्रयोगशाला से पृथ्वी के इतिहास को खंगाला जा रहा है। बर्फ के नमूनों के अलावा वैज्ञानिक यहाँ आकाश से भी डाटा जमा करते हैं। वेदर बलून पर लगे रेडियो ट्रांसमीटर तापमान, नमी और हवा से जुड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ का इकोसिस्टम बहुत ही संवेदनशील है। इसीलिए यहाँ के जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों का यहाँ पर सटीक जायजा लिया जा सकता है। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे ने फरवरी 2021 में बताया है कि उसके रिसर्च स्टेशन के पास एक विशाल हिमखंड अंटार्कटिका की बर्फ से टूट कर अलग हो गया। इसका आकार 1270 वर्ग किलोमीटर था, यानी कि क्षेत्रफल में ये दिल्ली से थोड़ा ही छोटा था। अंटार्कटिका में हिमखंडों का टूटकर सागर में गिरना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जलवायु परिवर्तन से ये प्रक्रिया तेज हो सकती है। वैज्ञानिकों को चिंता है कि एम्परियर पेंगुइन के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा असर होगा, क्योंकि उन्हें बर्फ के प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है जिस पर चढ़कर वह समुन्द्र में गोता लगाते हैं और खाना तलाशते हैं। उन्हें जनवरी के महीने में घोंसले बनाने के लिए तट के पास जमी हुई बर्फ की जरूरत होती है। यही वह समय होता है जब पेंगुइन के बच्चे खुद शिकार करने के लिए बर्फीले पानी में उतरते हैं। इन पेंगुइनों का घर अंटार्कटिका के पश्चिमी तट पर मौजूद है। यहाँ पर अगर बर्फ पिघली तो सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं जीवों को होगी, इसीलिए अंटार्कटिका
अंटार्कटिका पर रिसर्च करना और उसे समझना बहुत जरूरी है, इस महाद्वीप के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में आज हमें जैसी बर्फ की मोटी चादर दिखाई देती है, आखिरी हिम युग के दौरान उत्तरी अमेरिका और स्कैंडिनेविया का इलाका वैसे ही चादर में लिपटा हुआ था। उत्तरी अमेरिका में अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको और कई छोटे देश आते हैं। स्कैंडिनेविया उत्तरी यूरोप के उस इलाके को कहते हैं जिसमें स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे जैसे देश आते हैं। अगर हमारी धरती का तापमान यूं ही बढ़ता रहा तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में भी बर्फ की चादर गायब हो जाएगी। इसीलिए जलवायु परिवर्तन को रोकना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।